तो भाई सबसे पहले तो भाई सारे भाइयों को राम राम। आज भाई मैं यहाँ पे आ रखा था स्टेडियम में, मैं थोड़ी सी यार यहाँ पे रनिंग रूनिंग करता हूँ, तो आज मैं अपना ना सारा एक्सपीरियंस बताऊँगा मेरा कनाडा में कैसा रहा। 6 महीने हो गए मेरे को कनाडा में आए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, बुरे एक्सपीरियंसिस भी हुए घर को लेके, जॉब्स को लेके, और वैसे भी यार यहाँ पे पढ़ाई को लेके भी काफ़ी एक्सपीरियंसिस मेरे काफ़ी बुरे हुए। ओवरऑल मेरे हिसाब से तो काफ़ी ठीक था, तो अभी ऐसा लगा था कि भाई मेरे पास इनफ एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो लोगों को वर्थ इट लगे। पहले ना बात करते हैं पहले एक्सपीरियंस की, ठीक है। पहले जॉब्स की बात करते हैं यहाँ पे भाई, सबको होता है यार जॉब्स का, तो जॉब्स का यूँ है अगर तुम्हें भाई ग्रोथ करनी है ना, सीधी सी बात है, अगर तुम्हें ग्रोथ करनी है तो यहाँ पे ना भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा ना यार, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी तुम्हें ना रियल एस्टेट में, या तुम्हें अपनी पैसिव इनकम, जैसे तुम्हें अगर ना पता हो एक्टिव इनकम होती है पैसिव इनकम होती है, जैसे कि यार एक्टिव इनकम जैसे तुम एक कोई जॉब करो, पैसिव मतलब तुम्हारी साइड बाय साइड इनकम आ रही है। इसका सबसे पहली चीज़ बात करता हूँ भाई, मैंने जॉब्स करी यहाँ पे वेयर हाउस में जॉब करी है, जैसे यहाँ पे जॉब्स होते हैं जो मेनली बेकरी की जॉब्स होती हैं यहाँ पे, और डिलीवरी जॉब्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन की जॉब्स होती हैं, तो और भी किचन वाली भी होती है, मैंने किचन वाली अब तक कोई नहीं करी, रेस्टोरेंट्स में मैंने किसी में भी नहीं काम करा। सीधी बात बता रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स का भी बताऊँगा क्या सीन है और क्यों नहीं मैंने काम करा है। पहली बात तो भाई मेरे को कुछ बनाना नहीं आता, ठीक है, अपने घर के लिए भाई मैं रोटी मुश्किल से बनाता था, फिर मैंने टिफिन ही लगवा लिया, ठीक है, और रेस्टोरेंट का, और वैसे मेरे को मिली भी नहीं कोई रेस्टोरेंट की, मतलब कि मेरे आगे कोई अपॉर्चुनिटी होगी मेरे को रेस्टोरेंट की जॉब मिलनी है। तो सबसे पहले तो जॉब की बात करते हूँ भाई, मैं ना मैंने अभी जब सबसे पहली जॉब थी मेरी यहाँ पे फेडेक्स, मतलब फेडेक्स वो होता है क्या कहते हैं यार वेयर हाउस होता है, तो वेयर हाउस में जॉब करी मैंने, मतलब वो डिलीवरी करते हैं पार्सल्स की, तो वहाँ पे ना मतलब यार वो आते हैं ट्रक्स होते हैं, कैसे काम होता है वहाँ पे ट्रक्स होते हैं, ट्रक्स में से अनलोड करना होता है, लोडिंग होती है, अलग अलग एरियाज़ होते हैं, जैसे एरिया 8 एरिया 9, तो अलग अलग एरियाज़ होते हैं, वहाँ से अनलोडिंग लोडिंग वेयर हाउस में, मतलब अनलोडिंग लोडिंग और भी बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत कुछ होता है, ठीक है, बहुत कुछ करा है स्टार्टिंग में, बहुत हार्ड लगता था स्टार्टिंग में, कभी काम नहीं करा था इंडिया में, वीक सा होता है शरीर, मतलब यहाँ पे आके मेरे हिसाब से तो शरीर ना स्ट्रांग हो जाता है, मतलब हमारी ना किसी चीज़ को बियर करने की जो कैपेबिलिटी होती है ना वो बहुत बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई लाइक मैंने स्टार्टिंग में फेडिक्स में काम करा, मैं यहाँ पे आया था ना, मैंने कोई इंग्लिश में मैंने ना बंदे देखे जो यहाँ पे थे, तो उनको ना इंग्लिश नहीं आती यार, 3-4 साल हो गए इंग्लिश नहीं आती यार, मैं देख रहा हूँ मैं ये कैसे, क्योंकि यहाँ पे ना यार ब्रैम्पटन में यार या तुम कहीं पर जाते हो ना तुम्हें ना देसी मिलते हैं यहाँ पे, कुछ इंग्लिश के बिना सर्वाइव कर जाता है बंदा, ठीक है, सीधी सी बात है, इंग्लिश की इतना खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंग्लिश ना भाई वो पीआर का पेपर नहीं, पीआर में आईएलटीएस का पेपर देना होता है ना कुछ, तो उनका ना वो नहीं क्लियर हुआ, मैं नया मैंने देखा, तब मैंने ठान ली, मैं कहा ना भाई अगर इंग्लिश नहीं आई तो मेरा आने का क्या फ़ायदा हो, जब तक अगर मैंने यहाँ पे आके वहाँ का एक्सेंट नहीं गेन करा, मैं यूँ नहीं कह रहा अपना मेरा एक्सेंट अच्छा नहीं है, इंडियन एक्सेंट अच्छा नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे आके गेन नहीं करा, तो कुछ दिखना तो चाहिए बंदा यार, बंदा एक फॉरन जाके आया इंडिया में, तो यार यहाँ पे इंग्लिश ना यार, और वैसे भी यार एक कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर मेरे को ना फेडेक्स ने करा, क्योंकि फेडेक्स में ना बहुत सारे गोरे काम करते हैं, गोरे अफ्रीका के, मतलब उधर ना यार कोरिया के, यूरोप के, बहुत सारे मतलब हर अलग अलग जगह से काम करते हैं, जापान के, तो उधर ना फेडेक्स में मेरे को ना ऐसा लगा कि हाँ भाई मैंने जहाँ पर भी काम करे ज़्यादातर इंडियंस काम करते हैं सारे, तो मेरे को वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला काम करने का, वहाँ पे लड़कियाँ भी काम करती हैं, लड़कियाँ 6-6 घंटे, मतलब उन्होंने वहाँ से अपनी फीस भी निकाली है बच्चों ने, दो वो पार्ट टाइम जॉब है बट उसमें ना यूँ है यार शिफ्ट उठाते रहो, चाहे तुम एक बंदे 50-50, 60-60 घंटे हफ्ते में काम करा 50 घंटे उधर, और उधर वो 20 घंटे, मतलब यूँ होता है 20-1 घंटे मिलते हैं वैसे, तो मतलब शिफ्ट उठाते रहो, एक एक शिफ्ट उठा लो, तो अगर तुम आते हो ना तो फेडेक्स यूपीएस बहुत बढ़िया है, यूपीएस में थोड़ा काम ज़्यादा कराते हैं, फेडेक्स भी बढ़िया है, फेडेक्स यूँ है यार उधर का ना काम करने का पड़ा जोर क्या कुछ भी नहीं कहते तुम्हें, तुम चाहे नए हो चाहे तुम पुराने हो ना, तो ठीक है भाई सबसे पहले मैंने वेयर हाउस में जॉब करी, फेडेक्स के बता दिए, फेडेक्स का भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, फेडेक्स में यार वेयर हाउस में जॉब करते हो ना तुम तो मेरे हिसाब से तुम्हें एक बार ट्राई करनी चाहिए वेयर हाउस के, अगर तुम्हें जॉब मिलते तो गो फॉर इट ब्रो, और यहाँ पे सेफ्टी शूज़ होते हैं वो बता देंगे तुम्हें, सेफ्टी शूज़ यहाँ पे आते ले लेना, मर्जी है बाकी तुम्हें अगर, लेकिन आती अगर कोई बढ़िया काम मिल गया तो अलग चीज़ है, बाकी ले लेना सेफ्टी शूज़, बेकरी कहीं पर भी जाओगे वेयर हाउस कहीं पर भी तो तुम्हें चाहिए, बेकरी में भी मैंने काम करा काफ़ी, बेकरी में यार यूँ था, बेकरी में यार थोड़ा सा ना यार मतलब यार वो आंटियाँ बड़ा कहती थी यार कि काम कर ले, मतलब जैसे इंडिया का नहीं होता यार इंडिया में पीछे पड़े रहते हैं काम में, वहाँ पे जैसे इंडिया वो उधर वैसे सीन था, क्योंकि यार वो बेकरी भी देसी ही थी यार, सीधी बात है यार यहाँ पे गिव एंड गो बेकरी बहुत फेमस है यार, तुम्हें आओगे तो पता चलेगा, तो बेकरियों में भी काम करा भाई मैंने, बेकरी का यूँ था कि बेकरी में काम हल्का ही होता है, लड़कियों लड़कियाँ आ रही हैं तो लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट है, लड़के आ रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट ही हैं,
काम बेकरी का सेट, काम है बेकरी में यार, बात करते रहो बढ़िया टाइम निकल जाता है। मतलब मैंने बेकरी में भाई कंस्ट्रक्शन का काम करा था कल परसों मैंने, वो भाई मैं तो छोड़ के आ गया कंस्ट्रक्शन का। मैं कहा मेरे से नहीं, मैंने 2 दिन करा, मेरे तो यार शरीर दुखने लग गया। मैंने सारे हार्ड से आप बहुत हार्ड हार्ड काम करें फेडेक्स में, मेरे को वहाँ पे टकर चलाता हूँ, वहाँ पे बहुत भारी भारी हूँ, मान लो कि 60-60 किलो 70-70 किलो के भी वो आते हैं, जनरेटर आ जाता है, पता नहीं क्या क्या आता है, ठीक है, सिलेंडर आ गए, तो मतलब यार वहाँ पे ना बहुत कुछ आता रहता है, टायर आते हैं, बड़े बड़े टायर आते हैं, तो यूं है उनको यार मैंने भारी भारी बहुत काम करे। लेकिन यार वहाँ वहाँ जब मैंने काम करा कंस्ट्रक्शन का लगातार यार 10 घंटे काम करते रहो यार, इतनी भारी भारी, तो वो पता है जैक हैमर से जिससे यूं यूं सा होता है उसे तोड़ते हैं, उसके नीचे यूं होती है कील सी और उसके यूं पकड़ना होता है ऊपर से, और यूं यूं वाइब्रेट सा करता है और वो तोड़ देता है। तुमने देखा होगा यार कभी फिल्मों में कहीं, तो यार जो जैक हैमर चलाया क्या कहते हैं तोड़े मारते रहो, वो कंक्रीट हो जाता है, कंक्रीट उठा उठा के ट्रालिया में गिरे, वो ट्राली से होते हैं नहीं आगे अलग टाइप की ट्राली, ट्राली कह देता हूँ उसको, उसमें गिरते, मतलब यार मजदूरी वाला काम है इंडिया वाला, बिल्कुल सेम इंडिया वाला मजदूरी वाला काम है। और मेरे हिसाब से जिस जो थोड़ा सा यार पढ़ा यार पढ़ा हुआ है ना, और जिसमें तो जो थोड़ा बहुत पढ़ के आया, मेरे हिसाब से तो यार वो वर्थ इट नहीं लगा मुझे काम। यार थोड़ा सा ये लकड़ी का काम हो या सीखने का काम हो तो यार उसमें क्या सीखना है यार, घरों के आगे साइड बॉक्स बना रहे हैं यार, मतलब वो सीखने का अगर तुम करना चाहो तो बहुत बढ़िया, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इतना भारी भारी काम और करना। मेरे को भाई वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का तो काम, मेरे को ना भाई नानी याद आ गई, सच बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन के काम में मैं कहा भाई साहब कहाँ फंस गया मैं, और एक शिफ्ट लगाने उसके पैसे भी नहीं मिले मेरे को, क्योंकि वो देख रहे थे एक दिन लगाया आगे आएगा तो दे देंगे, वरना उसके पैसे भी नहीं मिले, और 10 घंटे में घिस के भी आ गया अपनी, ठीक है। तो लेकिन मैं यूँ कहूँगा कि ये सारे तुम्हें जॉब्स का बता दिया, कंस्ट्रक्शन का काम तभी करना अगर तुम्हें यूँ लगे कि इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है, बंदे कहते हैं सीखने को है, मेरे हिसाब से तो मेरे को जो पढ़ा लिखा आदमी है नहीं भाई, अगर उसने थोड़ा बहुत अगर करना है तो उसको दिमाग लगा के थोड़े टाइम करेगा, फीस फूस या थोड़े से तुम्हारी ज़्यादा ही इमरजेंसी है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन के अलग अलग टाइप के काम होते हैं, जो मैं कर रहा था वो बढ़िया नहीं था भाई, अगर और दूसरे बढ़िया हो सकते हैं। एक और चीज़, मैं ना अभी मिला था एक भैया से मिला था, वो भैया इंडिया से आए हुए थे, और उनकी ना $74 पर आवर की पे है, मतलब मान सकते हो $74 पर आवर। मैं ना मैंने जब सुना ना मैं क्या 74, मैं क्या 24 कह रहे हैं क्या, कह रहे नहीं $74 पर आवर, उनका टैक्सी $4000 कटता है महीने का, और वो अभी आए हैं, ठीक है। वो उनसे वो ना आईटी में जॉब करते थे, और जितने भी हो सकता है ना भाई, जितना तुम ज़्यादा पढ़ोगे ना उतना तुम्हें ना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। थोड़ी थोड़ी ना ठंड सी हुई है तो यूँ, हाँ मैं क्या बता रहा था, मैं यूँ कह रहा था कि जित भाई जितने भी ज़्यादा तुम ना यार यहाँ पे अपनी फील्ड जॉब करोगे ना, तुम यूँ यहाँ पे ध्यान रखना कि पढ़ाई को ना यहाँ पे लाइटली मत लेना, पास वैसे भी हो जाते हैं ठीक है, बट पढ़ाई को ना यहाँ पे लाइटली मत लेना, पढ़ाई को यूँ लेना कि दिस इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट यार, पढ़ने के स्टडी वीज़ा पे रखो यार, पढ़ाई पैसा भी है भाई, अगर अभी पैसा कमा लोगे तो उतने पे अटक जोगे, $4000 $5000 पे अटक जोगे पर मंथ। और वैसे अगर तुम भाई अगर अभी पढ़ लोगे अभी थोड़ा बहुत, मतलब यूँ फीस फूस निकाल ली अपनी थोड़ा बहुत, जब मतलब एक मीडियम से करना ना, तो ज़्यादा जोर देना ना कम ही, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा पढ़ लोगे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत काम कर लोगे और फिर तुम्हारा आगे बेनिफिट, अभी बेशक तुम भाई $2,000 या $3,000 कमाओगे पर मंथ, $2,000 ठीक है, बट आने वाले टाइम में ना तुम्हारी तुम मतलब 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर पर मंथ कमाए जाते हैं यहाँ पे, सीधी सी बात है, पैसिव इनकम वो भी, ठीक है, एक्टिव इनकम नहीं कह रहे, पैसिव इनकम में इतने इतने कमाए जाते हैं, बहुत सारे हैं रियल एस्टेट में, और यहाँ तक कि भाई मैंने देखे 22-22 साल के लड़के ना उसमें फाइनेंशियल एडवाइजरी में $10,000 कमा रहे हैं पर मंथ। तो यूँ कहूँगा भाई जितना हो सकता है ना यूँ मत सोचना कि यही है भाई वेरा उसी यहाँ पे यही लाइफ है, भाई लाइफ बहुत बहुत बढ़िया है, अपने कुएं से मतलब अपने कुएं के मेंढक मत बनना है यहाँ पे आके, जो एक काम करने लगे जितना हो सकता है ना उतना ज़्यादा हार्डवर्क करना, ठीक है, सीधी बात है, जितना ज़्यादा हो सकता है ना मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है रिसर्च पे ध्यान देना अपना, तुम जितना ज़्यादा बंदों से बात कर सको तो उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना, कम्युनिकेशन स्किल्स ना बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। मेंटली भाई मेंटल हेल्थ तुम्हारी प्रियोरिटी होनी चाहिए, कैनेडा में आके यूँ नहीं कि कुत्तों की तरह काम कर ही जा रहे हो। मैं यूँ कह रहा था जितना ज़्यादा हो सकता है ना भाई अपने ऊपर वर्क करना, अपने अंदर स्किल सेट पे वर्क करना, क्योंकि अगर तुम्हारा फ्यूचर भाई तुम्हारा फ्यूचर ना ये नहीं है कि सारी उम्र ना बंदा वेयर हाउस में काम करता रहे, ये वैसे काम करता रहे, तो मैं तो यूँ कहूँगा कि मेरी तरफ से अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ तो यहाँ पे आके भाई पढ़ाई पे थोड़ा सा जोर देना, जो भी तुमने कोर्स लिया है उस पर थोड़ा सा यूँ सोच रहे हो कि फील्ड पे मिल जाए, डिप्लोमा के बेसिस पे अगर तुम्हें बढ़िया जॉब मिल रही है तो क्या दिक्कत है ब्रो, तुमने उसके पैसे भर रखे हैं यार, या तो तुमने पैसे ना भर रखे, इतने पैसे भर रखे तुम पढ़ भी नहीं रहे ना, फिर तो दैट्स नॉट वर्थ इट ब्रो, ठीक है, दैट्स लाइक वेस्ट ऑफ मनी, ओके, टोटली वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज तुम उस चीज़ को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो जिस चीज़ के जिस रिसोर्सेज के लिए तुमने पैसे दिए। अब कॉलेज से यूँ है भाई मैं फ्री में नेट ले रहा हूँ, फ्री में वाईफाई मिल जाता है मोडम सा, तो जितने ज़्यादा रिसोर्सेज को जितने तुम्हें अगर मिल रखे हैं उनको यूज़ करो ब्रो, ठीक है। और तुम अगर पढ़ाई तुम्हें क्लास में पढ़ा तो क्लास में अगर पढ़ने के जा रहे हो ना सिर्फ पढ़ने जाओ,
ठीक है, क्लास की बात करो जो मौज मस्ती करनी क्लास में करो यार, अगर क्लास में पढ़ाई नहीं, जब सीरियस पढ़ाई चल रही तो यार उस टाइम पढ़ाई, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, खेल के टाइम पे खेल, मौज के टाइम पे मौज, और अपना भाई थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी देना चाहिए। ठीक है, यूनिक यहाँ पे यार, यहाँ पे यार यहाँ पे है हनी ट्रैप, ठीक है, दैट्स अ हनी ट्रैप, मिठी जेल कह देते हैं जैसे यार, बट यहाँ पे आके तुम्हें यार थोड़ा सा ना तुम एक प्रोफेशनलिज्म, तुमने ना अपना प्रोफेशनल करियर बनाना है यहाँ पे, यूँ नहीं कि भाई दिहाड़ी कर दे रहे और हो लिया काम, अगर भाई उसके बारे में सोचोगे तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि यार अप्स एंड डाउन्स आए बहुत सारे, कभी पैसा ज़्यादा था कभी कम था कभी ठीक था, तो और जॉब कभी कभी यूँ लगा कि एक जब दिसंबर से में यार लगभग जनवरी फरवरी में यार काम कम हो गया था तो घंटे भी कम लग रहे थे यार, कभी शिफ्ट मिल रही थी कभी नहीं मिल रही थी, काफ़ी बहुत कुछ हुआ यार, ठीक है। बट एक एट द एंड ऑफ द डे मैं यूँ ही कहना चाहूँगा कि बी स्ट्रॉन्ग ब्रो, ठीक है, जब तुम्हें यूँ लगता है ना फॉलिंग एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, दैट्स द टाइम ब्रो जब तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है, जब तुम्हें यूँ लगे ना भाई यार मैं भाई कोर्स में फेल हो गया भाई, मैं यार वहाँ से पैसे नहीं है, फीस तो जुड़ी नहीं है, घर वालों के पास पैसे नहीं है, मतलब मैं इन जर्नल बता रहा हूँ, ठीक है, और भाई मतलब तुम्हें लोगे ना सब कुछ यार, मेरे यार दोस्त भी चले गए यार, मेरे यार दोस्तों से लड़ाई होगी या जॉब है नहीं, मतलब सब कुछ जब तो बिल्कुल तहस नहस हो जाए नहीं, तब वो मतलब तुम्हें वो वाली सिचुएशन होती है जब तुम्हें स्ट्रांग रहना है, होता है भाई सब कुछ होता है यहाँ पे आके, यूँ नहीं है तुम्हारा भाई एक बार दोस्त बन गया तो बन गया या यूँ है भाई सब कुछ होएगा यहाँ पे, तो तुम्हें ना वो वाली सिचुएशन में यूँ रहना नहीं स्ट्रांग रहना, वो सिचुएशन ही स्ट्रांग रहने की होती है, उसको डील करने का एक ही चीज़ है कि भाई अगर तुम स्ट्रांग रहोगे तब तुम बहुत अच्छी तरह से उस सिचुएशन को डील कर जाओगे और वहाँ से, तो बस उसके अलावा कोई इलाज नहीं है भाई, तो यूँ मत सोचना कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया मेरे साथ वैसा हो गया, भाई सबके साथ होता है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सबके साथ होता है, यूँ नहीं है कि कल्ला तुम्हारे साथ हो रहा है, तो हर एक सिचुएशन में ब्रो स्ट्रांग रहो जितना हो सकता है, कुछ भी दिक्कत हो अगर तुम्हें भाई यूँ लगे ना यहाँ पे आके कि भाई अब मैं अकेला पड़ गया यार, मेरे को ना बिल्कुल मतलब तुम डिप्रेस्ड एंग्जाइटी कुछ भी हो रखा हो ना भाई, मेरे को ना मैसेज कर देना कि भाई मेरे को यार बात करनी है थोड़ा सा नहीं, मेरा यार 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 सेट सा नहीं बैठ रहा यार, मेरे को ना थोड़ा सा अच्छा ऐसा नहीं लग रहा यार, मेरा मन नहीं लग रहा, रोने का जी कर रहा हो यार, बहुत कुछ यार बहुत कुछ होता है, तो तुम ना भाई को मेरे को कह देना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं कॉल कर लेंगे, ठीक है, लेकिन यूँ नहीं अपना ना बस अपना ध्यान रखो यहाँ पे आके ना जितना हो सकता है भाई, मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा दिक्कत हो ना यार मेरे को भाई मिला लेना, अब पता नहीं तुम कितने टाइम बाद देख रहे हो, कितने महीनों बाद ये वीडियो देख रहे हो, कितने साल बाद, लेकिन मैं जब भी कहूँगा तुम्हें कोई दिक्कत हो रही हो ना, तुम्हारा तुम्हें कोई साथ ना दे रहा हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम यूँ सोच लेना पल्लू लान तुम्हारा भाई, यूँ मान लो तुम्हारे साथ कोई नहीं है ना कैनेडा में, तुम्हारा कोई भी नहीं रहता, तुम यूँ सोच लेना तुम मेरा भाई यूँ सोच लो, मेरा मैं तारा भाई हूँ, तारा भाई बैठा कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, क्योंकि अब भाई मैं भी अभी यहाँ पे यूँ नहीं हूँ, पक्का नहीं हूँ, लेकिन जितनी भाई मैं मदद कर सकता हूँ जैसे भी है, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट ब्रो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ है, अपना प्रोसेस शुरू करो जिसने नहीं करा है, और जो जिन्होंने कर दिया या जो आने वाले हैं, जो आने वाले भाई निश्चिंत रहो, सब कुछ डील हो जाता है भाई, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था बाहर के आ रहे, मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूँ कह लूँ कि इंडिया में तो यार कुएं का मेंढक, क्या घर आ गए यूँ आ गए, घर में रहता था सब कुछ, मैं कभी ज़्यादा बाहर जाता भी नहीं था, तो बट यहाँ पे आके यार लाइफ जब कल्ला रहना बंदा सीखता है ना, तो तुम्हें खुद पता चलता है कि नहीं भाई तुम्हें बंदों से ना डील करना आता है यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें हर टाइप का बंदा मिलेगा, गुस्से वाला, कोई तुम्हारे से काम निकलवाने वाला, सिर्फ तुम्हारे घंटा काम नहीं आना और तुम्हारे से काम निकला के चले जाएंगे, बहुत बंदे आएंगे, बट तुम्हें ना तुम्हें डील धीरे धीरे ना डील करना आ जाता है यहाँ पे रह के ना, जल्दी नहीं आएगा, तुम्हें यूँ लगेगा मेरे को बहुत कुछ, लेकिन यार मेरे को ये 6 महीनों ने बहुत कुछ सिखाया मेरे को लाइफ में, मेरे को खुद में कैसे सर्वाइव करना है, खुद में कैसे हैप्पी रहना है, वो चीज़ सारी चीज़ें यार मेरे को सिखाई, अगर तुम अकेले रहते हो यार तुम दो बेस्ट है अपने ऊपर भाई, एक चीज़ कहूँगा एट द एंड ऑफ द डे मैं एक चीज़ कहूँगा कि भाई अपने ऊपर भरोसा रखना, ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस ब्रो, अपने ऊपर भरोसा रखना, डोंट रश द थिंग्स, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखना, डोंट रश द थिंग्स, ट्रस्ट द प्रोसेस, और लाइक जितना हो सके ना भाई तुम्हें कोई डीमोटिवेट करने वाले बहुत बंदे मिलेंगे, सब ने सारे भाई इंसान ही है, ठीक है, कोई यूँ नहीं है, सब ने भाई अपने ऊपर किसी ने वर्क कर लिया तो वो भाई थोड़ा सा उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, उसने भी वो तुम्हारे जैसा ही था, सीधी बात है, वो एक आम इंसान ही था, तो कि कभी भी ना अपने आप को डीमोटिवेट मत होने देना, जितना हो सके अपने आप की ना अपने आप को यूँ सोचना कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूँ, अगले बंदे ने करा है तो उसको कोशिश करना कि भाई मैं भी करूँ, कभी यार किसी का
यहाँ पे ना यार, वैसे भी यार किसी का ना यार यूं मत सोचना कि भाई उसका यूं हो जाए, किसी अपने अपने ऊपर ध्यान रखना, फोकस अपने ऊपर रखना है तुमने, किसी और के ऊपर अपना फोकस नहीं बांटना, ठीक है। किसी अपने किसी अगले बंदे को ना इतनी अहमियत नहीं देनी कि तुम्हारा आधा फोकस उसी पे चल जा रहा है, घंटा नहीं तुम्हें घंटा नहीं फर्क पड़ता, तुम्हें अपने से फर्क पड़ता है। किसी का बुरा ना करो, बस सीधी सी बात है, किसी का बुरा ना करो, भला कर सको तो भला कर दो, वरना मेनली अपने ऊपर फोकस रखो, ठीक है। भला हो सके तो बहुत बेस्ट है, ठीक है, अपना जो कर सकते हो, वरना अगर नहीं कर सकते तो भाई अपने ऊपर फोकस रखो, सिर्फ अपने ऊपर, अपने आप को कैसे डेवलप कर, अपने आप को बेटर कैसे कर सकते हो, अपनी फिजिक को बेटर कैसे कर सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हो, दैट ऑल मैटर्स एट द लास्ट, एट द एंड ऑफ द डे। लाइक तुम्हारी मेंटल हेल्थ ना, तुम्हारी हर चीज़ ना मेंटली है, फिजिकली कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीधी चीज़ें जितना तुम मेंटली यार सोचोगे ना किसी चीज़ के बारे में, जितना ज़्यादा, मैंने ना एडवाइस ली थी यहाँ पे एक बूढ़े से अंकल थे, यहाँ पे गोरे हैं, तुम वहाँ पे काम करते हैं मेरे, वो कहते जितना हर चीज़ ना यूँ है, जितना ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में तुम जितना ज़्यादा सोचोगे ना, वो चीज़ ना तुम्हें तुम उसके और करीब जाने लगोगे, तुम मतलब उसके बारे में सोचोगे हर बार ना उसके बारे में कि भाई और कैसे कर सकता हूँ, और कैसे कर सकता हूँ, मतलब उस चीज़ के बारे में सोचोगे। अब जैसे मैं बताता हूँ तुम फिजिक के बारे में, जैसे मैं सीधी से अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं फिजिक के बारे में सोचने लग गया तो भाई मैं पहले कहाँ यार 5 पुशअप्स लगते थे, अब मैं 30-40 आराम से मार देता हूँ, ठीक है, 1 गो में। तो यूँ है कि अभी, और ये महीने पुरानी बात है, सीधी सी बात है, महीना भी नहीं हुआ, महीना हो गया, हाँ, तो उस चीज़ को महीना हो गया, तो महीने में मैंने इतना फोकस करा, मैं 40 पुशअप्स पे आ गया, ठीक है। और कहाँ यार 5 पुशअप भी नहीं लग रहे थे मेरे, पहले दिन मैंने मारे थे 4 लगे थे होंगे। कैनेडा वंडरफुल है ब्रो, ठीक है, कैनेडा इज़ ग्रेट ब्रो, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है कैनेडा भी, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं है, तुम्हें यार सीधी सी बात है सब कुछ पता होता है, कुकिंग सीख के आना भाई, और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है भाई, कोई दिक्कत हो तो, कुछ भी दिक्कत हो, आने के बाद भी दिक्कत होनी है, तो कोई भी दिक्कत हो तो बता देना तारा भाई खड़ा है, बता देना पल्लव लोहान, ठीक। इंस्टा पे मैसेज कर देना, कोई क्वेश्चन हो तो, बारिश आने को रखिए तो, सी गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और तुमने भाई बढ़िया लागी हो तो बढ़िया है, तुमने बेरा है तो, और जिसने भाई सब्सक्राइब कर रखा है ना अभी मेरे भाई, लगभग 3,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो भाई कहाँ से यार, मैंने ना यार मैं 200 सब्सक्राइबर से शुरू करा था मैंने, मतलब बंदे मेरे को, मैं बताता हूँ, 50 सब्सक्राइबर से मैंने शुरू करा था, 50 थे शायद, मैंने करवाए थे अपने दोस्तों से 100, फिर किसी बंदे को ना मैं यूँ कहता होता था कि भाई सब्सक्राइब कर दे, मतलब वैसे, मतलब कोई बंदे, मतलब मेरे को कोई दोस्त मिल गया, मैं कहा भाई इस चैनल खोल के सब्सक्राइब करियो, मतलब ऐसे कहता होता था एक टाइम। तो यार धीरे धीरे, मतलब यार 100 से, तुम देख मैंने भी यार, मैं बता रहा हूँ, मैंने भी शुरुआत करी ना, तुम किसी चीज़ को शुरुआत, छोटे सी शुरुआत होती है किसी चीज़ को भी, हेल्थ भी ना, सुबह सुबह भाई यूँ नहीं है कि तुम्हें जरूरी 10 किलोमीटर भागना है, 1 किलोमीटर भाग लो, 500 मीटर भाग लो, कुछ तो करो यार, लेकिन कुछ फिजिक पे यार मेहनत तो करो, मतलब जी अगर धीरे धीरे करोगे ना एकदम तो कुछ नहीं होता, सीधी बात है। मैंने करा, मैं आज यहाँ 3,000 होने वाले लगभग, ठीक है, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, अगर तुम आगे करोगे भाई तुम और आगे पहुँचोगे, सीधी बात है। तुम किसी चीज़ को अगर एक दिन शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत ही नहीं कर रहे ना तुम, तो फिर तुम यार उसमें आगे कैसे पहुंचोगे। तुम अगर आज शुरुआत करो मेरे भाई, ठीक है, तुम कुछ भी तुम्हें करना है, किसी भी चीज़ से करनी है, कोई स्किल सीखना है, कुछ भी करना है, धीरे धीरे सीखता है बंदा, ठीक है, टाइम मांगती है चीज़, धीरे धीरे होएगा, ट्रस्ट द प्रोसेस, सीधी सी बात है, वही चीज़ कह रहा हूँ, ट्रस्ट द प्रोसेस, तो देन यू गोना बी फाइन, ओके। सो लाइक दिस इज़ माय साइकिल अगेन, शेडो, ठीक है, मेरे भाई ने कहा था इसका नाम शेडो कर दे, बिटवीन की है भाई, I really love my cycle because you know it makes me stress free or something, like whenever I ride my cycle I feel like very free, like I have my own vehicle and like I'm traveling around and I'm seeing that places that you can't see by car, like in the parks I like take this and like the view I see from this, like because of this cycle I'm really thankful to you, like I'm really thankful bro, theek hai, to milenge next video mein, to sabse pehle bye kar diyo bye, theek, ram ram।